अल्हम्दुलिल्लाह हमें फर्स्ट राइड मिल गया फौरन से ही, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। ये यंगो की ही हमें राइड मिली है, इनको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने जा रहा है। आई थिंक ये फर्स्ट राइड है जो मैं कर रहा हूँ तकरीबन 2270 रुपए की, वरना इतनी बड़ी राइड मैंने कभी नहीं की, मैक्सिमम 1500 तक की है। और आपको जो आज की इंडेक की अर्निंग दिखा देते हैं कि आज हमने काम किया था तकरीबन अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहां होंगे अल्लाह ताला आपको खुश होके आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग ऑफ इनड्राइव अर्निंग इन लाहौर। तो आज ये दिन कौन सा है, हाँ आज है जुमेरात, और जो है मौसम की अगर बात करें तो इतना कोई खास नहीं है, ना इतनी ज्यादा गर्मी है ना इतनी कोई ठंड है, नॉर्मल ही है। पसीने से आपको पता चल रहा होगा, पसीना तो यूं है कि गाड़ी में आपको पता है बस वैसे ही हो जाती है। तो अभी जा रहे हैं जी गाड़ी में फ्यूल डलवाने। आज का हमारा गोल ये होगा कि हम कोशिश करेंगे 7 राइड्स जो है ना हम यंगो पे कंप्लीट करें। अब उसकी रीजन ये है कि यंगो जो है ना 7 राइड्स पे 1100 का बोनस दे रहा है, तो आई थिंक दैट्स फेयर, हमें ट्राई करना चाहिए। अगर फेयर अच्छे मिलने शुरू हो गए तो हम जो है यंगो पे करेंगे। सेकंड रीजन ये भी है कि मेरे ना इजी पैसा पे टॉप अप करने के लिए पैसे कम है, बल्कि एक हिसाब से है ही नहीं है, तो ऊपर से इनड्राइव पे भी पैसे खत्म होने वाले हैं, तो इसलिए आज जो है कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा राइड जो हमारी इनड्राइव पे हो, अदरवाइज जो है देख लेंगे फिर जैसे जो हिसाब लगा वो कर लेंगे इंशाल्लाह। जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमें फर्स्ट राइड मिल गया फौरन से ही, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। ये यंगो की ही हमें राइड मिली है, इनको जी अयूब रोड से उठाना है, जहाँ पे मेरा घर है उसी के आसपास से कहीं उठाना है। इनकी पिकअप तो शो हो गई है लेकिन ड्रॉप ऑफ और फेयर शो नहीं हुआ, इसलिए वो मैं अभी दिखा नहीं रहा, तो इनको ड्रॉप करने के बाद पता चलेगा कि इनका ड्रॉप ऑफ क्या था और कितना इनका फेयर था। तो इंशाल्लाह कस्टमर को करते हैं पिक, उनको करते हैं ड्रॉप, देन आपको बताते हैं कि इनकी ड्रॉप ऑफ क्या थी और कितना फेयर था इंशाल्लाह। गाइस कस्टमर की मैं लोकेशन पे पहुंचा तो आगे से जी मैंने उनको कॉल की है, बिल्कुल ऑलमोस्ट उनकी मैं लोकेशन पे पहुंच गया था, तो आगे से पता ये चलता है जी कि बच्चे ने, उनके बच्चे के पास मोबाइल था और बच्चे ने जो है राइड ओके कर दी। अब मुझे बताएं कि इतना कौन सा बच्चा है, इतना या इतना अकलमंद कौन सा छोटा सा बच्चा हो सकता है जिसने पिकअप भी डाल दी, ड्रॉप ऑफ भी डाल दी और जो है आगे से राइड को ओके भी कर दिया। अब मैं कस्टमर की लोकेशन पे दो किलोमीटर पहुंचा गलियों के अंदर से होके, तो आगे से जी जवाब मिलता है जी हमें बच्चे ने किया था माजरत। अभी ये लोग वही होते हैं जिन जो राइड बुक करवा लेते हैं फिर सोचते हैं यार ये गाड़ी नहीं कोई और गाड़ी होनी चाहिए, तो फिर कैंसिल करने के ना बहाने ढूंढते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। खैर एनीवेज वो राइड कैंसिल हुई है तो हमें जो अगली राइड भी मिल गई है। ये मैं कस्टमर की ऑलमोस्ट ये सामने केयर हॉस्पिटल वाली लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, तो जा रहा हूँ ये अभी कस्टमर को पिक करने। इनकी जो ड्रॉप ऑफ है शादरा की और फेयर कुछ समथिंग शो हो रहा था, 1000 कुछ फेयर शो हो रहा था, 20-22 किलोमीटर की ये राइड है। देखते हैं जी कस्टमर कितनी दूर इनकी ड्रॉप ऑफ थी, कितने किलोमीटर की बनी थी और कितना फेयर बना था। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली क्लिप में। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस वो राइड को उतार दिया है और जो है हमें उस इन राइड ने इनकी तकरीबन 23.5 किलोमीटर की राइड बनी थी, 1100 रुपए इनका फेयर था और उन्होंने मुझे दिया 1200। कस्टमर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा सफर गुजरा उनके साथ। तो खैर एनीवेज अभी जो है मुझे एक और राइड मिली है, लेकिन ये काफी रिस्की राइड है। ये है जी वो राइड, इनको शादरा से पिकअप करना है, लेकिन ये जो पिकअप है तकरीबन 5 किलोमीटर की पिकअप ही है इनकी खाली, और आगे इन्होंने जाना है जी पैरागोन सिटी। यहाँ से पैरागोन सिटी अभी मैंने देखा नहीं कितने किलोमीटर है, तो तकरीबन ये भी 30 किलोमीटर की है राइड, और इनका फेयर जो है आप लोग राइड ऐसी है 1200 2270 रुपए।
तो 1000 रुपए का तकरीबन हमारा फ्यूल लगेगा इस टोटल राइड में, और जो कुछ कमीशन तो बकाया अपने को बच जाएंगे। तो रिस्क ले लिया मैंने, और कोई अच्छी राइड नजर भी नहीं आ रही थी तो मैंने ये पिक कर लिया। कस्टमर से बात होगी, उन्हें मैंने कहा कि थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में, मैं आ तो रहा हूँ लेकिन आप वेट कर लीजिएगा। उन्होंने कहा ओके वी आर वेटिंग। तो अभी जा रहे हैं कस्टमर को पिक करने, उनको पिक करके करते हैं ड्रॉप, देन मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं कस्टमर की लोकेशन पर आ चुका हूँ, और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने जा रहा है। आई थिंक ये फर्स्ट राइड है जो मैं कर रहा हूँ तकरीबन 2270 रुपए की, वरना इतनी बड़ी राइड मैंने कभी नहीं की, मैक्सिमम 1500 तक की है, और 29 किलोमीटर की ये टोटल राइड है। 29 किलोमीटर के 2200 यानी ऑलमोस्ट 2300 रुपए है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस जाता है इस राइड के साथ हमारा, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इसको कंप्लीट करके। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस ये राइड को मैंने कर दिया ड्रॉप, और आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ। इतनी बड़ी राइड थी और जो है इन ड्राइव ने कमीशन भी नहीं काटी अल्हम्दुलिल्लाह। ये पता नहीं क्या सीन है, कभी कभी जो है इन ड्राइव कमीशन नहीं काटती, तो आप लोग ये मुझे लाजमी बताइएगा कि ये किन केसेस में जो है इन ड्राइव कमीशन नहीं काटती। तो खैर ये थी 2270 रुपीज की राइड, और 60 रुपीज मैंने इनसे रिंग रोड के लिए, तो कुल मिला के 2330 रुपीज बनते थे। उन्होंने मुझे जो है 2400 रुपए दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और राइड पता है कितने किलोमीटर की थी? राइड थी तकरीबन 29 किलोमीटर की, ये टोटल राइड थी, टोटल नहीं थी, 5 किलोमीटर की पिकअप डाल दें तो 34 किलोमीटर की ये राइड बनती है। तो जो है पहले वाला 5 किलोमीटर वो मैं नॉन एसी गया था तो उसमें भी ये बचत होगी, लेकिन जो अभी वाला आगे वाला रास्ता जो है वो सारा एसी पे, लेकिन रिंग रोड पे एक मेंटेन स्पीड 80 पे चलता रहा, तो इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी बचत हुई होगी। तो अभी जो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, माँ की मोहब्बत। मेरी माँ की मोहब्बत मेरे लिए कुछ दिन पहले वो गई थी बाज़ार, तो अब उनको पता है कि जब मैं रोड पे निकलता हूँ तो इंसान को ज़ाहिरी बात है प्यास लगती है, तो वो जो है कि ये छोटा सा कूलर जो है मेरे लिए लेके आई है। ये देखे बोतल भी आपको पता है बहुत जल्दी खाली हो जाती, लेकिन उन्होंने ये छोटा सा कूलर लेके दिया है। इसके अंदर जो बर्फ़ डालो और पानी जो है 24 घंटे इसके अंदर ठंडा रहेगा। एक कोला बर्फ़ का इसके अंदर डाला है, अभी जो मैं इसमें पानी पीता हूँ, देन जो है अपना अगला सफर आगे का कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमें थोड़ा सा टाइम लगा है यहाँ पे राइड लेने में। उसकी बिहाइंड द रीजन ये है कि मैं पहले कजन से बात चल रही थी, उन्होंने कोई पार्सल वगैरह मंगवाना था, आधा टाइम तो वहीं पे गुजर गया। लेकिन अभी जो है फिर जो मैंने ऑन किया, तकरीबन घंटा आधा घंटा लगा हमें अगली राइड लेने में पैरागोन से, लेकिन यंगो पे मिली हमें अपनी अगली राइड। ये जी इनकी पिकअप है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर की इनकी पिकअप है, मैं दिखा देता हूँ। ये पिकअप है इनकी, और जो है इनकी ड्रॉप ऑफ है विनस हाउसिंग सोसाइटी, चुंगी अमर सिद्धू के बिल्कुल साथ है। अगर तो मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही वाली होगी, या कोई और भी विनस हो सकती है, तो देखते हैं। अगर तो ये वही है, 18 किलोमीटर की ये राइड है, फेर इनका अभी शो नहीं हुआ, फेर इनका ड्रॉप करने के बाद शो होगा। देखते हैं कितना फेर मिला और जो है कितने किलोमीटर की ये राइड बनी। 18 किलोमीटर तो दिखा रहा था, अभी जो है पिकअप करने के बाद पता चलेगा कितने किलोमीटर की थी। जा रहे हैं जी कस्टमर को पिक करने, इनको पिक करके करते हैं ड्रॉप, देन मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस दो राइड को उतार दिया वीनस में, वही वीनस थी जो मैं समझ रहा था पाक अरब के साथ वाली, और तकरीबन 18 किलोमीटर की ये राइड बनी, और उनका फेयर था 930 रुपए, और उन्होंने मुझे दिया है 960 रुपए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा चेंज कम था इसलिए 960 रुपए उन्होंने मुझे दे दिए। और यंगो ने आज अच्छे फेयर दिए हैं, नो डाउट, फर्स्ट राइड पे भी अच्छा फेयर दिया था, ये 18 किलोमीटर की राइड थी तो 950 रुपए इसका मिल गया, यानी कि एक हिसाब से 0 कमीशन पे भी मैंने किया है काम, मुझे कमीशन भी नहीं देनी पड़ी यंगो को, और इन ड्राइव को भी नहीं देनी पड़ी जो इन ड्राइव भी राइड की थी। खैर एनीवेज उसको उतार दिया, अभी जो अगली राइड भी आ गई हमारे पास यंगो की, ये जी इनकी पिकअप 270 मीटर रह गई है, पिक करने जा रहे हैं जी इन कस्टमर को। इनकी ड्रॉप ऑफ शो नहीं हुई, अभी देखते हैं कि इनकी ड्रॉप ऑफ क्या थी और कितना फेयर बना। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस वो राइड को उतार दिया था, और उस राइड का जो फेयर बना था वो बना था 145, किसी फायदे की राइड नहीं थी, तकरीबन 3 किलोमीटर की राइड थी, तो उनको मैंने उतार दिया था। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा आगे की तरफ वापस घर की तरफ जा रहा था, मुझे फिर एक राइड आई थी, ये भी उतनी ही थी तकरीबन 3 किलोमीटर की, और ये 245 रुपए की, यानी कि 2 राइड्स मैंने कर ली हैं सेम ही डेस्टिनेशन वाली। कितना 6 किलोमीटर का तकरीबन 500 रुपया बना, ठीक है 2 राइड्स की, तो ये 2 राइड्स कंप्लीट कर ली हैं। अभी देखते हैं और राइड मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज चलते हैं घर, क्योंकि मुझे लगी है भूख इंतहा की, और जो है अभी जो सफर नहीं है
तो जा रहा हूँ जी घर इंशाल्लाह। या तो उससे पहले कोई एक राइड ले लेते हैं घर की तरफ की। मैं इस टाइम पार्क अरब सोसाइटी में हूँ और चूंकि अमर से तो जाना मुश्किल है लेकिन वी विल ट्राई। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस आपका भाई आ चुका है घर और आपको जो आज की इंडिया की अर्निंग दिखा देते हैं कि आज हमने काम किया था तकरीबन 4:30 बजे वहां से निकले थे गाड़ी वगैरह साफ करके और तकरीबन हिसाब लगा लें कि 5 बजे हमें फर्स्ट राइड लगी थी, ठीक है। तो 5:30 बजे वो ड्रॉप की तो करते कराते जो है मैं 10:30 तक आ गया था घर और जो है हमारे आज के वर्किंग आवर्स थे 5 और इन 5 घंटे में हमने तकरीबन कितनी 5 राइड्स की टोटल 5 घंटे में। एक राइड थी हमारी इंड्रे पे, 4 राइड्स थी हमारी यांगो पे। अभी सीन ये है कि लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2100 रुपये हमारी यांगो की अर्निंग है और जो है 2400 हमारी इंड्राइव की अर्निंग थी। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर तो 2370 आ रहा है लेकिन कमीशन नहीं काटी इंड्राइव ने और जो है 100 रुपया उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिया था, टोटल 2400 था। इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ये हमारे बनते हैं 4500 रुपये। दोनों को प्लस कर दिया 4500 बने। अभी इसमें से जो है हमारी फ्यूल जो गाड़ी ने हमारी ने खाया वो खाया 2100 का। हाँ, गाड़ी ने जो है 2100 का फ्यूल खाया। उसकी बिहाइंड द रीज़न ये है कि मेरे पास डायरेक्टली टोटल पैसे नहीं होते फ्यूल डलवाने के, मैं जो है थोड़े थोड़े करके डलवाता हूँ इसलिए थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा खा जाती है गाड़ी क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके डलता रहता है बीच में। 2100 का फ्यूल लगा तो अभी 4500 में से 2100 माइनस कर दें तो हमारे पास बचते हैं जी 2400। तो वो 2400 हमारी आज की अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग है क्योंकि यांगो का जो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी कमीशन कट के हमारे पास आई थी वो अर्निंग और जो है इन ड्राइव ने भी अब हमारी राइड से कोई कमीशन नहीं काटी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों में कमीशन से बच गया, फ्यूल निकाल के 2400 5 घंटे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।